कोरोना की खांसी कैसी अलग होती है इसके बारे में बात करूंगा। क्या होता है कि लोग कोरोना का नाम लिया तो बहुत डर जाते हैं और कोरोना को वो रेजिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं कोरोना नहीं है, मुझे खांसी है, तभी भी खांस रहे हैं तो बोलेंगे नहीं मुझे कोरोना नहीं, मैं तपास नहीं लूँगा, मुझे डर लगता है, और लोग कोई चेकअप नहीं करेंगे। एक्चुअली उनको वो तो ऐसा बोलते रहते नहीं, ये तो मामूली सर्दी जुकाम है, मामूली खांसी है और वो ठीक हो जाएगी, मैं चेक नहीं करता। आपको ये देखना है कि ये जो खांसी आपको आ रही है ये सादी खांसी है, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, कि ये कोरोना की खांसी है। तो उसमें क्या फर्क है, सादी खांसी और कोरोना की खांसी में फर्क क्या है वो हम देखेंगे। तो नंबर एक, कोरोना की खांसी जो है वो ड्राई कफ होता है, मतलब उसके साथ में बलगम बाहर नहीं आया, एक्सपेक्ट्रेशन बाहर नहीं आएगा वो ऐसा। बाकी जो खांसी है वो वेट रहती है, मतलब गिला गिला सा लगता है, खांसी में कफ निकलता है, म्यूकस निकलता है, एक्सपेक्ट्रेशन बाहर आता है। कोरोना में पूरी ड्राई कफ रहती है, सूखी खांसी रहती है, नंबर एक। नंबर दो, कोरोना की खांसी परसिस्टेंट रहती है, मतलब एक बार खांसी आई, खांस लिया, थोड़ा सा रुकने बाद में फिर खांसी का बाउट आ जाएगा एक, और फिर ये खांसी आ जाएंगे और वो खांसते रहेगा। तो ये बाकी कफ में क्या होता है कि एकदम कंटिन्यूसली एक के पीछे एक, एक के पीछे एक बाउट नहीं आएंगे, कोरोना की खांसी जो है वो एक के पीछे एक बाउट्स आते रहते हैं। फिर तीसरा जो है, कोरोना की खांसी जो है उसके साथ साथ थोड़ी सांस की तकलीफ होती है, जैसे खांस लिया, खांसी रुक गई, और बाद में थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस है, थोड़ी सांस की तकलीफ होती है, समझ जाना कि ये खांसी अलग है, ये कोरोना की खांसी हो सकती है। फिर चौथा, कोरोना की खांसी जो है उसके साथ साथ गले की खराश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, सोर थ्रोट, गले में दुखना, दर्द करना, अंगार होना, और उसके साथ साथ थकान महसूस होना, ड्राई कफ है, थकान है, बुखार है, समझ जाना कि ये कोरोना ही है, सवाल ही नहीं आता। तो सोर थ्रोट है, थकान, सूखी खांसी, बुखार, तो ये खांसी जो है ये कोरोना की खांसी है, जब उसके साथ में बाकी सिम्टम्स है। और नेक्स्ट, 40% लोगों को आइदर सूंघना या स्वाद, इसमें प्रॉब्लम आता है। तो खांसी के साथ साथ यदि सूंघने का प्रॉब्लम है कि कोई स्वाद नहीं आ रहा है, सूंघने के लिए कोई स्मेल भी नहीं आ रहा है ना, कोई सुगंध नहीं है और टेस्ट भी नहीं है, तो समझ जाना कि ये खांसी जो है ये अलग खांसी है, उसके साथ साथ ये सिम्टम एसोसिएटेड है, जो कोरोना के सिम्टम है, और तुरंत डॉक्टर की तरफ जाके ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो कोई भी खांसी जो है उसके लक्षण है, कोरोना की खांसी और सादी खांसी, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, और आप सादी खांसी करके उसको टाइम निकालते हैं 2-4 दिन, बाद में डॉक्टर के पास में जाते हो और बाद में बहुत सीवियर हो जाता है। तो इसलिए अभी ये दिनों में जब कोरोना की वेव चल रही है, तो खांसी रहो या बुखार रहो, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।